डरना मत, मैं तुम्हें कुछ करने नहीं आई, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए आजादी देने आई हूँ। रात को जब सब सो जाएंगे, दरवाजे पर एक टैक्सी आएगी, उसमें बैठ जाना। वो टैक्सी तुम्हें इधर न ले जाएगी। टैक्सी में? इस वक्त ना कोई फ्लाइट मिलेगी और ना ही बस। टैक्सी तुम्हें सीधा इधर न ले जाएगी। इधर न में एक होटल है। तलाक के कागजात 2 दिन के अंदर होटल में पहुंच जाएंगे, उन पर दस्तखत कर देना। तुम्हारे बैंक अकाउंट में रकम पहुंच जाएगी। तलाक लेने के लिए क्या आप मुझे पैसे भी देंगे? क्या समझ के रखा हुआ है आपने मुझे? शराफत का ढोंग दिखाना छोड़ दो आप। बगैर किसी मसले के और बगैर एक लफ्ज कहे तलाक ले लो और हमारी जिंदगी से निकल जाओ, दफा हो जाओ हमेशा के लिए। अली, अली नहीं चाहता कि तुम ज्यादा मसला बनाओ। उसे मालूम है। अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो रात के इस पहर मुझे यहाँ नहीं भेजता। यार कितने घंटे गुजर चुके हैं इस बात को। शायद वो इधर ना पहुँच चुकी होगी। कौन सा होटल, कुछ पता है? ये तो मुझे नहीं पता अली, मैंने नहीं सुना। जो सुना था वो सभी बता दिया। टैक्सी। खैरियत तो है अली साहब? कल रात हमारे फार्म हाउस पर यहाँ से कोई गाड़ी गई थी। लेकिन हुआ क्या है? गई थी या नहीं बताओ मुझे। नहीं, कल रात मैं नाइट ड्यूटी पर ही था, आपके घर कोई गाड़ी नहीं गई। कल रात हमारे फार्म हाउस पर कोई गाड़ी गई थी यहाँ से? क्यों, क्या हुआ? आपका मेहमान कुछ भूल गया गाड़ी में? कहाँ है वो? कहाँ है? बात यह है कि वो जाना नहीं चाहती थी। मैंने कहा आपको एदरना तक छोड़ देता हूँ, उन्होंने मुझे पैसे भी दे दिए, लेकिन वो गई नहीं। तो कहाँ छोड़ा उसे? मैंने उन्हें हैरान में रात के वक्त छोड़ा था। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।